आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में, चूंकि इस स्टॉक के न्यूज हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जो इस स्टॉक में ARC के न्यूज ट्रेंड हो रही थी, जेसी फ्लावर अर्ली बीडर था, अराउंड 48,000 करोड़ के जो NPA के ARC होने थे उसके लिए जेसी फ्लावर अराउंड 11,183 करोड़ का हाईएस्ट बीडर रहा था। बीच में हमने आर्किडिल और सेरिबेरस को काउंटर बीड की भी न्यूज सुनी, हालांकि इस समय देखेंगे तो वो खारिज से आ रहा और सेरेबेरस और आर्किल जो है आउट ऑफ द रेस होते हुए दिखा और फाइनली जेसी फ्लावर ये केस जीतते हुए दिखा और हाईएस्ट बीडर के रूप में उभरा है। तो लोगों का दो प्रोस्पेक्टिव है और हमेशा से ही ये प्रोस्पेक्टिव हमने देखा है। बहुत सारे लोगों को ये बैड न्यूज लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ये गुड न्यूज लग रहा है, लेकिन पर्सनली मैं अभी भी यस बैंक में पॉजिटिव साइड ही हूँ। डिलीवरी 40% और टेक्निकली स्टॉक में देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड बुलिश, पिछले वन वीक में 8%। इस समय बैंक निफ्टी देखे तो 40,000 के ऊपर है, तो यहां से एक ब्रेकडाउन अगर बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट तक का आता है तो ये स्टॉक भी देखेंगे तो यस बैंक मोर देन 35-40% के रिटर्न के बाद वन रिट्रेसमेंट 15 रुपीज तक का ले सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, होरिजन मोर देन 2-3 मंथ है, तो 30+ तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहां पार्शियली प्रॉफिट बुक करें ताकि 14-15 के नियर अराउंड अगर रिट्रेस करती है तो अगेन आप एक अपॉर्चुनिटी ले सके। लेकिन व्यू अभी भी इंटेक्ट है और इस स्टॉक में 18-100 तक के लेवल विद इन मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में इजिली दिख सकता है।